हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। अगर आपको मेरी रेसिपीज वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पानी पूरी का एकदम खट्टा और तीखा पानी, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 100 ग्राम के करीब हरा धनिया, जिसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। 50 ग्राम के करीब पुदीना की पत्तियाँ, इन्हें भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच हींग, आधे चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ आधे नींबू का जूस। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जलजीरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 सेशेट्स यूज़ किए हैं जलजीरा के। वैसे अगर आप चाहें तो जलजीरा की प्लेस पर पानीपुरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे आराम से मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल ठेले वाले जैसा बनाना चाहते हैं तो आप जलजीरा पाउडर यूज़ करें। इससे काफ़ी अच्छा पानी बनता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। ये आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अब हम इसका इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइन पेस्ट इसका बना लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 4 ग्लास पानी। वैसे यहाँ पर मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे घर के अंदर ग्लास होते हैं उसी से 4 ग्लास पानी लिया है। और इसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने फाइन पेस्ट बना के रखा था, वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पानी को छान भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको नहीं छान रही हूँ क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बना लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे बूंदी, एकदम वैसे ही जैसे ठेले वाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चटपटा खट्टा पानी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से पानीपुरी का खट्टा पानी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।